हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, कल ही मेरी दीपेश से बात हुई है और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो आज मुझे रोबोट बनाने सिखाने वाला है एक ही दिन में। तो आज जो देखते हैं ऊपर क्यों बुलाया भाई। अरे खुली हवा में बुलाया। तो सर आज आप सिखाने वाले हो? हाँ, आज दीपेश ने बोला तुमको रोबोट सीखना था। हाँ, तो ऊपर क्यों बुलाया सर, नीचे भी सीख सकते थे ना। तुमने इसके पहले रोबोट बनाया कभी? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम। तो एक दिन में अगर पूरा रोबोट सीखना है ना तो तुम्हारा भेजा थोड़ा गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। ओके। ऊपर है कि थोड़ा हवा अच्छा है, ग्रीनरी है, तो कूलिंग फैन जैसा वो काम करता है। चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो सर। तो कोई भी रोबोट बनाने से पहले अपने को उसका कॉन्सेप्ट फाइनल करना है। कॉन्सेप्ट मतलब? कॉन्सेप्ट मतलब अभी मतलब रोबोट हजार तरीके के होते हैं। अच्छा। अपने को किस टाइप का रोबोट बनाना है? ठीक है, अभी अभी तो सबसे पहले मुझे बताओ, ऑन रोड बनाना है कि ऑफ रोड? ऑफ रोड बनाएंगे सर। नॉर्मल रोड पे नहीं चलते, ऑफ रोड जो रफ टेरेन है। हाँ, कहीं पे भी चल सकते। चलो फिर उसका उस हिसाब से अपन उसको जो है कॉन्सेप्ट चालू करते। रोबोटिक व्हीकल लिख दो। ओके। और इधर अपन देख सकते हैं जो अलग अलग जो टाइप के रोबोट दिख रहे हैं यहाँ पे गूगल पे। रोबोट के अंदर एग्जैक्टली तुमको क्या बनाना है तुम आइडिया लो ऑनलाइन। अभी इसमें से ऐसे बहुत सारे रोबोट्स है कि समझो, देखो ये अपन बना सकते हैं। ये जो है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए फ़िलहाल के लिए। ये काफ़ी सिंपल है। ओके। लेकिन ये ऑफ रोड नहीं है, ये रोड पे चलेगा। ऑफ रोड या रफ टेरेन में ये नहीं चलेगा। रफ टेरेन में ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट लगेगा। तो तुम्हारा बजट देख के, ये देख के, सब कुछ देख के तुमको कॉन्सेप्ट फाइनल करना है। तो अभी तुम डायरेक्टली गूगल पे जाओगे तुमको बहुत सारे ये मिलेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्ट तुमको नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा क्या है, यूट्यूब पे चले जाओ। यूट्यूब पे जब उस पर भी जब मारोगे तो अभी देखो ये अलग अलग टाइप के रोबोट मिलेंगे वहाँ पे भी। ठीक है, ऑफ रोड और ऑन रोड के लिए सिर्फ टायर की ही मतलब ज़्यादा? नहीं नहीं, टायर है, मशीन में भी चेंजेस होने चाहिए। मशीन में भी चेंजेस होते हैं ना। ओके। तो एक अच्छा सोर्स क्या है पता है आप आइडियाज़ के लिए? ये सीधा चले जाओ नेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर एक तो वेबसाइट पे चले जाओ। वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में इधर ड्रोन्स और रोबोटिक्स मिल जाएगा। ओके। अपने वेबसाइट पे है ना सब ऐसे आइडियाज़ है जो तुम बना सकते हो। देखो तो इसके अंदर ये तो कुछ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में दिए, बाकी जो आइडियाज़ है इधर दुनिया भर के आइडियाज़ है। इस पर क्लिक, किस पे भी क्लिक कर दोगे। अभी इस पर क्लिक किया, ये क्या है? सोलर पैनल क्लीनर रोबोट। ठीक है, तो वैसे अपन रिसर्च कर सकें कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा रोबोट अपन एक्चुअल में बना सकते हैं, ऐसा रोबोट सिलेक्ट करो। ठीक है, तो अभी अपन ने जो सिलेक्ट किया है कि ऑफ टेन अपने को करना है, बराबर। तो अपन तो उसके ऊपर से अपन अभी अगले स्टेप पे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ रोबोट बनाने के लिए है रोबोट चेसिस। चेसिस बोले तो रोबोट की बॉडी। ओके, तो ये जो है ये अलग अलग टाइप की बॉडी है रोबोट की। ठीक है, ये कैसे रोड पे भागे हैं? ये रोड, ये रोबोटिक आर्म है, मतलब ये रोबोट पे लगता है। अच्छा, और कुछ उठाने का है। अच्छा, ओके। तो मोटर चलता है, ये मोटर चलता है। हाँ, और ये ऐसे उठाता है उसको। ओके, ये वर्क करता है। हाँ, ऐसे करके। अच्छा। अभी ये रोबोट पे रख के रोबोट चल सकता है और फिर ऐसे करके उठा सकता है इसे। अच्छा, ओके। ठीक है, फिर ये है छोटे रोबोट के लिए, छोटे जो आर्डुइनो या यूज करके छोटे से रोबोट अपने को बनाने ना। तो दो व्हील और तीसरा कैस्टर व्हील होता है। ठीक है, तो इसमें जो सादे रोबोट्स है वो इस पे बन जाते हैं। ये भी व्हील है क्या? हाँ, वो व्हील है। ओके। ठीक है, तो ये है थोड़ा ट्रैक रोबोट। ओके, इसके अंदर ट्रैक लगे हुए हैं के प्लास्टिक के, और वो ट्रैक के साथ ये ऐसा अंदर मोटर है। ठीक है, अंदर मोटर है, तो मोटर के हिसाब से वो ऐसे हिसाब से। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है अगर इसमें ये लगा दो? ये जो है ये अभी सबसे बड़ा रफ टेरेन रोबोट है। ठीक है, ये रफ टेरेन रोबोट है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर तुमको अगर ज़्यादा सामान सेंसर विंसर रखना है और एकदम थोड़े मतलब अभी कुछ जंगल में या ऐसे सब एरिया में चलाना है। हाँ। तो ये वाला रोबोट होता है। तो आज अपन जो रोबोट बनाएंगे वो ये बॉडी चूज करके बनेंगे। ओके। तो अभी अगली चीज जो अपने को लगेगी वो है मोटर। अभी चेसिस तो अपन ने बॉडी तो ले लिया। हाँ। चेसिस आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, बराबर। अंदर क्या होता है? मोटर होता है। जैसे कि ये चेसिस है, इसके अंदर कैसे दो मोटर लगे हुए, बराबर। इसको पावर मिलता है, घूमता है चेसिस, आगे रोबोट आगे चलता है। ठीक है, तो वैसे जो अभी मोटर में भी बहुत सारे वैरायटी। हाँ, वो दीपेश ने बताया था मुझे। ये था एक बेसिक मोटर। हाँ। ठीक है, ये डीसी मोटर इसको बोलते हैं। अच्छा। इसके अंदर अलग अलग आरपीएम मिलता है। आरपीएम बोले तो सिखाया नहीं उसने, पावर मतलब 200 वोल्ट 300, रोटेशन पर मिनट। अच्छा, ओके। एक मिनट में कितना चक्कर घूमेगा, कॉइल है वो इतना ही है। अच्छा। पर इसके हिसाब से पावर होता है। ये थोड़ी ज्यादा पावर की मोटर है। ठीक है, अभी देखना मोटर की साइज देखो,
ठीक है, वजन भी है इसमें और इसमें। अभी उसके बाद ये गियर बॉक्स मोटर है, गियर मोटर है, इसके अंदर गियर बॉक्स है, ठीक है, ये और ज़्यादा पावर है, इसके अंदर भी अलग अलग RPM मिलते हैं। उसके बाद ये और एक दूसरी टाइप की मोटर है, इसमें गियर बॉक्स ऐसा है, इसके अंदर गियर बॉक्स ऐसा है, इसको प्लैनेटरी बोलते हैं, प्लैनेटरी गियर मोटर। और फिर ये अलग, ये और एक टाइप की ड्रोन मोटर है। अरे ये ड्रोन में देखा होगा ना, ड्रोन के अंदर ये टाइप की मोटर होती है। अच्छा, ओके, ठीक है, इसे ड्रोन बोलते हैं। तो जैसा रोबोट उस हिसाब से उनको मोटर चूज करना है। तो अपने इसके लिए कौन सा मोटर चूज करेंगे अपन? इसके लिए अपने ना अपने एक तो जॉनसन यूज करेंगे या फिर ये करेंगे। अच्छा, ओके, दोनों में से जो प्रॉपरली फिट होगा अपन वो यूज करेंगे। ओके, हर एक मोटर के अंदर भी अलग अलग RPM आता है। अच्छा, तो हर एक मोटर और उसका RPM चूज करने के लिए अपन फिर से ऑनलाइन जाएंगे, अपन रोबोटिक्स में जाएंगे। इधर मैं तुमको मोटर और डिटेल में बता पाऊंगा, ठीक है। अभी ये जो अपने हाथ में था, इसके अंदर भी वैरायटी, इसके अंदर 45 RPM, एक मिनट में 45 बार घूमता है ये कंप्लीट सर्कल। ये 100 RPM, वोल्टेज सेम है लेकिन RPM अलग अलग है, ठीक है। ये 1000 RPM, ठीक है। फिर ये अलग टाइप का मोटर है, बो मोटर है। ये जो छोटा चेसिस अपन ने देखे थे उसमें ये वाला मोटर यूज़ होता है, इसमें भी अलग अलग RPM है। फिर ये हुआ वापस जॉनसन मोटर, ठीक है, जॉनसन मोटर सेम अलग अलग RPM 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मोटर में, मोटर का वोल्टेज और करंट कितना खाता है वो, ठीक है। करंट एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुमको मतलब उसका कितने वोल्ट का मोटर तुम यूज़ कर रहे हो और वो हिसाब से कितना उसका RPM है, ठीक है। तो वो मोटर का पावर और मोटर का RPM दो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। तो जैसे कि ये भी सब 12 वोल्ट ही है, ये वाला गियर मोटर है, ठीक है, इसमें भी RPM जैसा है वैसा मिल जाएगा। ये जो अपना ड्रोन का मोटर, ठीक है, तो ऐसे जो है उसमें बहुत सारा वैरायटी है। ई बाइक के मोटर है तो मोटर में भी जैसा जैसी अपनी अगर ज़्यादा बड़ी अपन रोबोट बना रहे, ज़्यादा हैवी लोड है तो आगे अपन जब बनाएंगे तो अपन उसमें ई बाइक वाला मोटर यूज़ करेंगे। हाँ, या फिर ई बाइक एक्चुअल बनाएंगे तो ई बाइक वाला मोटर यूज़ होता है, बिकॉज इंसान को खींचना है तो उतना अपने को ज़्यादा पावर लगता है, ठीक है। तो मोटर के अंदर दो चीज़ अपने को देख के सिलेक्ट करना पड़ता है, एक तो उसका RPM, दूसरा उसका वोल्टेज, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज है समझो वोल्टेज क्यों उतना ज़्यादा लगता है, बिकॉज उतना ज़्यादा वो उसका पावर है, ठीक है। तो जो ज़्यादा पावर खाता है वो उतना ज़्यादा पावर देता भी है, ठीक है। तो जैसा अपना वोल्टेज और जैसा अपना ये है वो हिसाब से अपने को मोटर चूज करना है। तो अभी क्या सर? अभी मोटर हो गया। हाँ, अभी लेकिन मोटर है, लेकिन ये मोटर तो क्या है, सिर्फ ड्राइव देता है, उसको चलाने के लिए व्हील भी तो चाहिए। बराबर। तो अभी अपन अलग अलग टाइप के उसमें व्हील आते हैं। अच्छा, अभी व्हील के अंदर भी वैरायटी है, तुमको कौन से टाइप का व्हील चाहिए, छोटे बड़े, ऑन रोड ऑफ रोड। अभी जब अभी ये सब जो थे ना, ये सब ऑफ रोड में इतने अच्छे से नहीं चलेगा भाई, तो ऑफ रोड के लिए अपन ने अलग से जो है, अच्छा, ओके, ये वाला व्हील लिया है, ठीक है, सही, ओके। ये वाला व्हील क्या है, बहुत टाइम से था अपने पास, तो ये वाला भी है। अभी अलग अलग टाइप के व्हील देखने के लिए भी जो है वेबसाइट पे ऑनलाइन अपन जा सकते हैं। हाँ, अभी अपन देखेंगे व्हील्स, इसमें भी अपन जाएंगे रोबोटिक्स में और रोबोट व्हील्स में जाएंगे। व्हील सिलेक्शन थोड़ा सिंपल है, इसके अंदर उतना ज़्यादा वैरायटी नहीं होता है, लेकिन होता है ठीक ठाक। इसमें क्या है, व्हील का टाइप, सबसे पहले अपने को कौन से टाइप के व्हील बनाने हैं, चैसिस अपन ने जो सिलेक्ट किया उसके हिसाब से जो अपना कॉन्सेप्ट था कि भाई अपने को ट्रैक वाला व्हील चाहिए कि डायरेक्ट जो ज़मीन पर डायरेक्ट टेकेगा वो रबर वाला व्हील चाहिए, तो वो हिसाब से अपने को देखना है। अगर ट्रैक वाला व्हील है तो एक तो कस्टम बनाना पड़ता है या फिर उसमें खाली रिम लेना पड़ता है, ऊपर का रबर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अपने को कौन से टाइप का व्हील चाहिए वो व्हील सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ओके। तो देखो इस तरह से जो है व्हील में भी वैरायटी आता है, उसका तुमको ये देखना है उसका साइज़ व्हील का और टाइप, किस टाइप का व्हील है और साइज़ कितना है उसका मेन। तो तुम्हारा जो रोबोट का साइज़ है, चैसिस का जो साइज़ है, वो हिसाब से व्हील का साइज़ देखना है। अभी ये 100x40mm है, 100x20mm है, ये पतला है, डायमीटर उतना ही है लेकिन है पतला ये। तो इस हिसाब से जो है इसका साइज देखना है और फिर डिज़ाइन भी तुमको किस टाइप का व्हील चाहिए, थोड़ा व्हील में भी कलर व्हीलर सब आता है, ठीक है। तो ये है व्हील का आइडिया। ओके, अब ये मोटर चलेगी किससे सर? मोटर चलने के लिए क्या चाहिए, पावर। हाँ राइट, पावर कहाँ से आएगी? बैटरी से। तो ये अलग अलग बैटरी के अंदर भी बहुत प्रकार है, तो मेरे पास चार ही टाइप के है। अच्छा। इसमें ये सब जो है ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है, लिपो, और ये जो है ये है लिथियम आयन। ये अपने मोबाइल में, फ़ोन में, ये सब स्मार्ट वॉच में, ये सब टाइप का यूज़ होता है। ओके। बारिश भी आ रही है तो, और ये जो है ये वाला है लिपो बैटरी। लिपो बैटरी ड्रोन में और इसमें यूज होता है, बिकॉज ये कम टाइम में ज़्यादा पावर दे सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है। और लेड एसिड भी आता है, लेकिन वो अपन ज़्यादातर यूज़ करते नहीं है। अच्छा, मतलब अपना तो मोटर के लिए तो ये बड़ा वाला ही लगेगा। हाँ,
तो अभी जो है बैटरी वैटरी सब कुछ पूरा हुआ है, अभी अपन रोबोट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अभी अपन डालेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी इंसान से कमांड कैसे लोगे, उसके लिए अपने को एक कंट्रोलर डालना पड़ेगा। अच्छा। इसके ऊपर अपन रिमोट अटैच करेंगे, रिमोट से वायरलेसली अब वायर के थ्रू बात करेगा और फिर अपन जो कमांड देंगे रिमोट, जैसे अपनी उंगलियां हिलेंगी उस हिसाब से रोबोट आगे पीछे जो भी जाएगा। ये कैसे काम करेगा कि रिमोट जो है इस कंट्रोलर को सिग्नल देगा और कंट्रोलर जो है ये इसको मतलब जो मोटर को चलाएगा और फिर रोबोट आगे पीछे चलेगा। मेरा रोबोट तो रेडी है, सिर्फ कंट्रोलर डालना है। उसके बाद इसे लेकर कल जंगल में जा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, ताकि पता तो चले कि ये काम कैसे करता है। तो जिसको जिसको मेरे साथ कल जंगल चलना है फटफट सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल दोस्तों।